हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नया ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई इस ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम राजधानी जाने वाले हैं, बिहार की राजधानी पटना जाने वाले हैं। तो भाई इस ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। और तो भाई चलो चलते हैं। और सबसे पहले गाइस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ बहुत खुश है आज पाटलिपुत्र घुमाते, तो उसमें गाइस काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो गाइस कहना ये चाहते हैं कि आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कर, आने वाले सही ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस चलते हैं पटना और सारा चीज़ इस वीडियो में आप गाइस फोटो ले लिए, अभी चलते हैं पटना। तो गाइस इससे पिछले वीडियो में गांधी स्टेशन आपको देखने को मिलने के लिए क्या ब्रिज दिखा होगा। तो गाइस आज की इस ब्लॉग में आपको गांधी स्टेशन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में गांधी स्टेशन जाएंगे, ब्रिज का काफी मजा लेंगे, तो आपको वो वीडियो जरूर दिखाएंगे। देख सकते हो कि ये बन ही रहा है, बट इसमें वर्कर लोग अभी आया है, बहुत जल्द बनेगा गाइस। देख सकते हो काम अभी चालू है। सो गाइस अभी हम पटना आए हैं और पटना में आपको दिखाने वाले हैं कि पटना जंक्शन गाइस कैसा है और कौन सा जगह क्या होता है, कहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, कहाँ पे पार्किंग सिस्टम दिया गया है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं जंक्शन दिखाता हूँ गाइस, क्या जंक्शन है। सो गाइस देख सकते हो ये पटना जंक्शन है। गाइस एक चीज़ नोटिस करना और कमेंट में बताना कि हर एक जंक्शन पे एक सभी जंक्शन पे एक न एक चीज़ रहता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा चीज़ है। तो गाइस इस पहले ये पाटलिपुत्र जंक्शन था। गाइस इस धरती पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ चुके थे, तो गाइस उनके आने से देखो ये लुक कैसा है। बट गाइस ये पहले पटना जंक्शन नहीं था, पाटलिपुत्र जंक्शन था गाइस। और गाइस देख सकते हो अभी ये पटना जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और गाइस काफ़ी मस्त है, और गाइस आपको आउटडोर शूट से दिखा देता हूँ कि कैसा है। सो गाइस जंक्शन के ठीक अपोजिट साइड गाइस देखो कितना बड़ा मंदिर है। सो गाइस श्री राम नाम के मंदिर से ये जाना जाता है और काफ़ी मस्त मंदिर है और काफ़ी भीड़ है। सो गाइस जंक्शन काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो आप। सो गाइस जंक्शन के अंदर जाते हैं और जंक्शन के अंदर एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सारा चीज़ क्या जंक्शन के अंदर क्या क्या है, और सारा चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बट टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई नंबर वन चैनल पे है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगा गाइस। और बहुत बहुत मस्त डार्क ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस चलो। सो गाइस देख सकते हो यह है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन 1861 में गाइस इसका ओपनिंग किया गया था और काफ़ी मस्त गाइस, बहुत बड़ा है। वीडियो में कंटिन्यू रहना, सारा चीज़ दिखाऊंगा गाइस कि इस जंक्शन में क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि भाई बिहार का राजधानी है तो कुछ तो हट के होगा गाइस। और इधर पार्किंग दिया गया है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गाइस भीड़ है, और इधर देख सकते हो गाइस। चलो जंक्शन के अंदर एंट्री लेते हैं। जंक्शन में एंट्री लेने से पहले गाइस ध्यान रखना कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेना, क्योंकि गाइस पहले ही वहाँ बोल रहा है कि आप प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो टिकट लेके जाना विदाउट कोई। बहुत सारे का गाइस टिकट नहीं लेता और चला जाता है। तो गाइस ये स्टेशन सबसे थोड़ा हट के है क्योंकि राजधानी है, तो गाइस सबसे पहले आपको टिकट लेना होगा प्लेटफॉर्म, तब आप प्लेटफॉर्म पर जाके एंट्री कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले टिकट लेते हैं, तब दिखाते हैं लोग।
गाइस देख सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट वहाँ मिले बस 10 रुपये है गाइस, और काफ़ी फैसिलिटी दिया गया है। देख सकते हो ऊपर कौन सा ट्रेन का है, सारा चीज़ दिख रहा है, वो गाड़ी पे गाड़ी का नाम भी है, गाड़ी संख्या भी है, और कितना बजे आएगी वो, और प्लेटफॉर्म संख्या भी लिखा हुआ है। तो गाइस देख सकते हो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है 10 का है, नहीं तो गाइस 10 के चक्कर में बहुत सारा चूना लगने वाला है। इससे पहले हम 10 का टिकट ले लिए प्लेटफॉर्म नंबर। इस साइड आपको पूछताछ इंक्वायरी गई, यहाँ से आप पूछ सकते हो कि कौन सा ट्रेन का है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पूछना, यहाँ तो सारा पाई चार्ट यहाँ लिखा हुआ है गई। देख सकते हो काफ़ी सारा LED लगाया गया है, और कौन सा ट्रेन का है तो सारा चीज़ दिखाया गया है गई। जंक्शन के बीच में थोड़ा ये पेड़ पौधा लगाया गया है, काफ़ी मस्त है। सो गई हम लोग अभी यहाँ है, देख सकते हो अगर जंक्शन में एंट्री लेना है तो फर्स्ट गेट कहाँ पर है वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फर्स्ट गेट के लिए आपको कैसे जाना है वो आपको दिखाता हूँ, तो गाइस सारा चीज़ एक्सप्लेन होगा। तो गाइस ये गेट नंबर 2 है, ठीक राइट साइड आना है। तो गाइस ये गेट नंबर 2 है, और ठीक इसी से स्टेट जाना है। स्टेट जाने के बाद गाइस आपको गेट नंबर, गाइस बाहर भी बैठने का बहुत बड़ा चेयर लगाया गया है गाइस, आप यहाँ भी वेट कर सकते हो, बट गाइस यहाँ बाइक का पार्किंग दिया गया है गाइस, काफ़ी मस्त जंक्शन बनाया गया है, और गाइस देख सकते हो वहाँ गेट नंबर 1 लिखा गया है। तो गाइस जंक्शन पे एंट्री लेना है तो सबसे पहले तो मैं पहले ही आपको बताया कि प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, और वहाँ आप सीढ़ी से भी जा सकते हो, और गाइस और यहाँ लिफ्ट लगाया गया है। तो गाइस उस वहाँ ठीक उससे बगल में सीट है, और यहाँ लिफ्ट लगाया गया है। तो गाइस हम लिफ्ट से चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत मस्त तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा। आपको दिखाते हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सा जगह है, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलो दिखाते हैं। तो गाइस ये थोड़ा आपके लिए, आप लोग जानते ही होंगे, बट गाइस थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ गाइस। इधर राइट साइड दूसरा प्लेटफॉर्म है, और लेफ्ट साइड गाइस दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो बट जानते होंगे तो, बट कोई बात नहीं, तो आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि कैसे जाना। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। तो गाइस राइट साइड 3 है, और लेफ्ट साइड 2 है। तो गाइस इधर जाओगे तो गाइस 2 मिलेगा, और इधर जाओगे तो 3 मिलेगा। तो गाइस ऐसे करके इसमें जाना है। तो गाइस काफ़ी, देखो गाइस वहाँ भी लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, तो इधर लेफ्ट साइड 4 है और इधर 5 है। तो गाइस चलो फिर आपको आगे दिखाते हैं कि कैसा है। 9 तक प्लेटफॉर्म है, बट गाइस उधर भी होगा तो उधर पता नहीं है गाइस, उधर भी हमको लग रहा है होगा। तो गाइस उधर नहीं जा रहा है, पहले हम आपको इधर दिखाते हैं सारा चीज़। देख सकते हो पटना जंक्शन सामने काफ़ी सारा बिल्डिंग बनाया गया, काफ़ी मस्त मस्त। सो गाइस एक वहाँ भी ब्रिज बनाया गया है, बट गाइस वहाँ से भी आप जंक्शन पे एंट्री ले सकते हो। गाइस देखो क्या तिरंगा, देखो गाइस कैसे फहरा रहा, वाह क्या लुक है गाइस। तो गाइस एक्चुअली हम पटना जंक्शन क्यों आए हैं ये आपको बता दें। शिमला मैप ऑफ पटना रेलवे स्टेशन का ये मैप दिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 10, 9, 8 का 10 तक का प्लेटफॉर्म है, ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है। बहुत ही मस्त तरीके से सजाया गया है। तो गाइस 2 ब्रिज बनाया गया है, वो जो दिख रहा है उस ब्रिज के बाद कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, और राइट साइड दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो गाइस घबराना नहीं, एग्जिट यहाँ से जा सकते हो। और गाइस एक बात तुम्हें बताई है कि टिकट कहाँ मिलता है, सबसे मेन बात मैंने नहीं बताया टिकट कहाँ पे दिक्कत है। तो चलो दिखाते हैं, बट आप लोग भी पूछ के कर सकते हो। चलो थोड़ा हम आपको दिखाते, काम करने का भी यहाँ तैयारी किया गया है, कृपया टिकट दिखाए एवं जमा करें। गाइस इधर तो जमा करना होगा, बट गाइस हमको जमा नहीं करना है, अभी आपको दिखाना।
सो गाइस दिखा देता हूँ कि टिकट आप कहाँ से ले सकते हो। तो गाइस एक बात और जानना बहुत जरूरी, गाइस स्टेशन का भी साफ सफाई से ज़्यादा अच्छा है और गाइस कभी कहीं भी कचरा उचरा नहीं है और काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। तो गाइस ये सब देखने का बहुत मज़ा आता है गाइस। तो ये गेट नंबर 3 है, तो गेट नंबर 1 से एग्जिट होना है। चलो गेट नंबर 1 से एग्जिट वेटिंग में था, जो पहले आप देख रहे हैं कि मेरा टिकट वेटिंग में है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ कंफर्म ही बता रहा है तो कौन सा बोगी में है, सारा चीज़ें यहाँ दिखा रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। गेट नंबर 1 पे ये गाइस पाई चार्ट लिख LED लगा है, देखो गाइस ये कुछ थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो चलो, और ये जक्सर का पहाड़ का सीन है गाइस, काफ़ी मस्त बनाया गया है, उधर भी कुछ है गाइस देख सकते हो, काफ़ी मस्त है। देख सकते हो वहाँ टिकट घर है, तो गाइस देखो वहाँ जो दिख रहा है वो टिकट घर है गाइस, उस साइड से आपको टिकट लेना होगा और एक सीट भी वहाँ से हो सकती है गाइस। तो चलो चलते हैं और सारा चीज़ इस वीडियो में दिखा दिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय। तो गाइस रीज़न ये है कि मौसी को छोड़ने आते हैं पटना जंक्शन से, तो मौसी का ट्रेन है पटना टू न्यू दिल्ली। तो गाइस पटना जंक्शन से ट्रेन उन्हीं को छोड़ने आते, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग में आपको दिखा देता हूँ पटना जंक्शन कैसा है। तो गाइस टिकट में S10 है, तो गाइस S10, तो गाइस हम मेरे टिकट में जो S10 लिखा बोगी नंबर S10 और 4142 सीट नंबर, तो गाइस हम लोग यही वेट कर रहे हैं S10 में, क्योंकि बोगी यहीं पे लगेगा और हम लोग यही मौसी को चल, तो गाइस मौसी जाती है तो फिर हम लोग घर जाएंगे। तो गाइस उधर से आप आ सकते हो और एंट्री कर सकते हो और इधर से एग्जिट होना है। तो गाइस हम लोग इधर से अभी एग्जिट होंगे और अभी फिलहाल हाजीपुर जाना है। एग्जिट होने के बाद देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, अगर इधर भी पार्किंग दिया गया है फैमिली मेम्बर के लेने के लिए, तो इस तरह का।